सदस्यीय यहाँ पर कार्यकारिणी घोषित की गई है। श्री राजेश तिवारी जी हैं संरक्षक, दैनिक हिंदुस्तान के यहाँ पर संवाददाता हैं, और इसके अलावा जो विवेक कुमार मिश्रा अध्यक्ष बनाए गए हैं और उजाला देख रहे हैं, ये राम किशोर अर्थवंशी उपाध्यक्ष हैं, ये पत्रकार यहाँ पर हैं और टीवी NDA न्यूज़ के यहाँ पर हैं। आशुतोष दीक्षित कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय सहारा देख रहे हैं। कुलदीप मंत्री हैं, दैनिक आज के संवाददाता यहाँ पर हैं। लवलेश तिवारी महामंत्री हैं, राष्ट्रीय सहारा देख रहे हैं। शफीक अहमद संगठन मंत्री, दैनिक आर्य चेतना से जुड़े हुए हैं। शुभम तिवारी मंत्री की जिम्मेदारी है, SN न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। श्रीपाल संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। कौशल सलाहकार हम लोगों के यहाँ पर जो कार्यकारिणी है उसकी बनाए गए हैं। विपिन कुमार मीडिया प्रभारी का दायित्व उनको दिया गया है। ज्ञानेंद्र कुमार प्रचार मंत्री रहेंगे। कौशलेंद्र और उमेश कुमार सदस्य के रूप में यहाँ पर जुड़े हैं। और आज यहाँ पर हमारे संडीला के अध्यक्ष मोहित सागरी जी और हमारे जो कशोना के जो हमारे इकाई के अध्यक्ष हैं आज़ाद जी सहित हमारे जो महामंत्री हैं संडीला के हिमांशु जी, इसके अलावा हमारे जो उपाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी की के हैं वो मनोज तिवारी जी, हमारे महामंत्री अरविंद तिवारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष हरदोई कार्यकारिणी के हैं प्रीति शर्मा जी, हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं हरदोई के वो सौरभ त्रिपाठी जी, सहित हमारे जो संडीला के और जो साथी हैं अस्थाना जी हैं, राजपूत जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। और जो क्योंकि ये संडीला ब्लॉक में लगता है, लिहाजा जो हमारे मोहित सागरी भाई हैं यहाँ पर उनकी उपस्थित हुई है और सभी लोग में यहाँ पर कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ। और लगातार ये प्रयास हम लोग का रहता है कि हम लोग जो स्थानीय पत्रकार हैं यानी कि जिले के जो पत्रकार हैं वो एक संगठन में आए और हम लोग कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता के उच्च मापदंड हैं उनको स्थापित करने का प्रयास करें। कोई ऐसी बात हम लोगों के संगठन में ना हो या जो समस्याएं जो आती रहती हैं अक्सर पत्रकारों की, उनका निस्तारण हम लोग लगातार करते रहें, यही भावना से हम लोगों का ये संगठन और बना है और लगातार इसका विस्तार किया जा रहा है। आज पूरी जो कमेटी यहाँ पर घोषित हुई है उसको सभी को मेरी शुभकामनाएं। अभी कभी पत्रकारों का उत्पीड़न होता है जिसमें जो है हमारी एजेंसियां या जो मालिक होते हैं वो साथ देने से इनकार कर देते हैं, उस पर क्या आपका विचार है? देखिए, उसी के लिए हरदोई पत्रकार एसोसिएशन का गठन हुआ। कभी कभार ऐसा होता है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे संगठन का अगर वो सदस्य है तो हम लोगों को जानकारी जरूर रहती है कि वो पत्रकार है और क्योंकि हमारे संगठन का सदस्य है तो ये इसी बात की जिम्मेदारी किसी भी संगठन की होती है कि वो जो भी उसके चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो सदस्य के रूप में शामिल हो तो उसकी हम लोग रक्षा करेंगे। इस अगर प्रकरण कोई आता है तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।